हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो 12th का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपकरण। उसकी मैंने एक वीडियो आपको भेज दी है, आपने देख ली होगी। उसमें मैंने बेसिक बताया कि अपकरण को कैसे करते हैं और फॉर्मूले बताए थे होंगे। और अब भाग टू में मैं आज वो बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मतलब अध्याय फर्स्ट के। तो ये देखिए, उन्हीं में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो देखिए कैसे होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अवकलन करने से पहले हम इनके दोनों के मान लिखते हैं, यानी सबसे पहले फॉर्मूले खोलते हैं। कोस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर हाँ याद रखिए, अगर कोस से पहले माइनस है, यदि कोस से पहले माइनस है तो फॉर्मूला खुलता साइन वाला, 1 - 2 sin² x। ये और अगर बड़ा बना लो थोड़ा, और यदि हमारा कोस से पहले है प्लस, तो फॉर्मूला खुलता cos2x = 2 cos² x - k। बन ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि अगर कोस से पहले माइनस है तब फॉर्मूला लगेगा ये, और जब कोस के आगे प्लस होगा तो फॉर्मूला लगेगा ये। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसका अपकलन कर पाएंगे। तो देखिए, वन, अब देखिए इसका जब हम अब ये वैल्यू रखते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम क्या रखते हैं, 1 + cos का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 2 cos² x - 1। ज्यादा नजदीक हो गया इसके। अब ये देखिए, y बराबर √1 - 1। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का ये क्या हो गया होगा, प्लस का sin² x। 1 + 2 cos² x - 1। अब यहां देखिए, इस माइनस के एक से ये माइनस वो प्लस के एक कर दिया और इससे ये कर दिया, और आप आ गया वाई बराबर √sin² θ वो एक्स अपॉन cos² x। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में ही कि sin² θ / cos² θ, ये ऐसे लिख दिया, sin θ / cos θ लिख दिया, ये भी सही रहेगा। sin θ / cos θ / tan θ। इसीलिए y बराबर √tan² x। वीडियो में आ रहा है ये, और ये स्क्वायर से आपका अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा tan x। और अब करते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx = tan x का अवकलन क्या होता है पता है, tan x का अवकलन होता है sec² x। sec² x, तो आपका जो आंसर होगा वो है होगा sec² x। इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्पल और देखिए, अब देखिए इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्पल मैंने कहा था, बैल तो ये सब हो जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट था। और देखिए अब देखिए क्या सवाल पूछा, सवाल बताया है उन्होंने, दो x^2 + 1 x + 3/x। इसका देखिए, अब ये सवाल कैसे करें, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम गुणा करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करते हैं पहले। देखिए क्या होगा, x^3, फिर यही अगले वाले से ट्राई मारते, क्या होगा 3x², फिर यही, अब ये तो पूरा हो गया इसका स्टेप, तो अब बंद क्या करते हैं x और फिर 3,
ये तो आप पर आता ही होगा, बटे में सबके है एक्स। अब ये जो बटे में एक्स है, यह एक्स सबके बटे में पहुंचा दो अलग अलग, इसके बटे में पहुंच गया, इसके बटे में पहुंच गया, यहां भी और आप आ गया यहां। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, दो या तीन नंबर, दो नंबर में आता होगा। यहां पर देखिए कितने बच गया, दो, यहाँ एक, यहाँ बिल्कुल कट गया, वहां पर रह गया, तो यहाँ बच जाता है एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया एक, और यहाँ बच गया 3/3। इसे अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए आप क्या करना, अगर मैं कहूँ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, dy अपॉन dx बराबर, यहां पर देखिए डायरेक्ट करूं या ऐसी, चलो डायरेक्ट कर देता, एक मिनट रुक जाओ, समझ में नहीं आएगा, फिर ऐसा कर लो। तीन कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पहले दिन ही बताया था, तीन बार आ गया जब बेसिक पढ़ाया था आपको, एक कॉन्स्टेंट ही है, जीरो ही आ गया इसमें, तो चलो फिर भी तीन कॉन्स्टेंट वैल्यू dy अपॉन dx। अब देखो ये 1/x है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, अब इधर देखिए dy अपॉन dx बराबर, इसका क्या हो गया 2x, इसका हो गया 3, और x का सापेक्ष करेंगे और x का ही करेंगे तो एक आगा, और कॉन्स्टेंट वैल्यू है और कोई है नहीं तो 0, और यहाँ आप क्या आ गया 3, और इसका क्या होता है, इसका होगा गुणा एक्स माइनस 1 और माइनस 1, और ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ये माइनस आपका जाएगा आगे ऐसे, 3 गुणा माइनस के 1 की पावर एक्स की पावर माइनस के 1, और फिर माइनस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x प्लस 3 प्लस माइनस के 3 और एक्स की पावर माइनस के 2, आंसर ये भी आ सकता है, और आंसर आपका दूसरा क्या भी आ सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x प्लस के 3 माइनस के और 3/x। ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट था और इसका आंसर आ गया आपका ये, ऐसे स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखिए भैया अब यहां पर देखिए साहब, एक सिद्ध करने का क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है यदि y बराबर 3/1/3 एक्स क्यूब हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना हमें 3y + x dy अपॉन dx बराबर में 0, ये हमें सिद्ध करना है, और ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, जब भी कोई ये कहे कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन तो ये ऐसा आता है। ये देखिए आप कैसे करेंगे, यही ना क्वेश्चन 3y, हाँ यही। चलो अब देखते कैसे करते, सबसे पहले अब इधर को देखिए, हम यहाँ लिखते 3, इधर y है तो ये 3 पहले तो इधर पहुँचा दो, तो यहाँ आ गया आपका 3y बराबर 1/x³, ठीक है। मैं तो इधर आप समीकरण नंबर 1 मान लें तो सही रहेगा, क्यों आने वाले टाइम में ये यूज आएगी, यूज की जाएगी। इधर देख लो, हम करते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अच्छा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू हाल, यहाँ dy अपॉन dx बराबर, यहाँ हो जाएगा x की पावर माइनस के 3 dy अपॉन dx, अभी किया नहीं अवकलन, अब होगा देखिए dy अपॉन dx,
माइनस के तीन आ गए और ये हो गया माइनस के चार। अगर मैं, अच्छा ये हो गया, अगर इसको काटना चाहें तो कट भी सकता है। देखिए अभी हो, ये काट दूँ, चलो काट देते हैं, ये कट गया आपका। ये अगर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो माइनस के एक्स की पावर चार है, हमने इसे लिया एक्स की पावर तीन और एक्स की पावर एक, ऐसे लिख लिया। यानी पहली बात तो घात माइनस में थी तो प्लस में ले आए, और प्लस में लाने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया ना प्लस में लाने के लिए, और इसे ऐसे में लिख के मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप क्या हो गया, क्यों भाई ऐसे क्यों लिख लिया? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें आंसर में वाई लाना है, और वाई कहाँ से आ सकता है? वाई आ सकता है एक्स वन अपॉन एक्स पावर तीन से ही हमारा वाई आ सकता है। तो देखिए अगर मैं यहां पर वन अपॉन एक्स की पावर क्यूब का मान डायरेक्ट आपको 3 बाई दे रखा है, इसमें मैंने कही थी समीकरण नंबर एक मान लीजिएगा, और हमें लिखेंगे माइनस 3 वाई अपॉन एक्स। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि ये जो आपका है ना, ये इतना, ये 3 वाई के बराबर है, क्योंकि हम लिखेंगे समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक में दे रखा है वन अपॉन एक्स की पावर क्यूब किसके बराबर है? 3 वाई के बराबर है। तब यहाँ पे आ गया, और ये एक्स आपका इधर आ जाएगा भाग में तो गुणा में, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 3 वाई। वीडियो देखिए भाई, देख रही नीचे ऊपर लिखो है, देख रही इधर लिखो भाई, तो ये माइनस के इधर आ गया आपका, आ गया प्लस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल पे है क्या बचेगा? जीरो। देख लो भाई मिला गया, सिद्ध हो गया है, लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। अब देखिए आप, अब जो है इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए ये आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं, अब जो क्वेश्चन है आपके हल्के हल्के होंगे वो आप कर सकते हैं, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपके वो 2 नंबर में पूछे आएंगे आपके बोर्ड। एक आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं वो आगे हैं सिद्ध करने के, और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन वे जो हैं वे अंश और हर वाले हैं, और फर्स्ट और सेकंड वाले हैं, क्या पहले ऐसे दूसरे का अपकलन दूसरा ऐसे, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको भाग 3 में बताएंगे, एक भाग 3 बनेगा अपकलन का, इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप आपके भाग बनते रहेंगे, और वीडियो देखते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करिएगा, और जैसे आप वो कुछ सजेशन देना चाहते हैं, सजेशन या कोई ऐसा कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं तो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और क्या कितना आपको समझ में आ रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं वे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।